नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की। नाशिक में मुस्लिम समाज का 28 जोड़ों का विवाह संपन्न। नाशिक जिला मुस्लिम खाटी कुरेशी समाज बहुउद्देशीय संस्था नाशिक की ओर से रिश्ता जोड़ो अभियान का तीसरा सालाना प्रोग्राम 18 मई 2023 को मुक्काम राधारमन लॉन्स लेखा नगर नाशिक में संपन्न हुआ। इसमें 28 जो दुल्हा दुल्हन जोड़ों की शादी या रचाई गई और लड़के लड़कियों का परिचय मिलावा भी रखा गया था, ताकि समाज के बच्चों की शादी या आसानी से हो। और तो और सबसे अच्छी बात, समाज में कुंवारे लड़के अगर तलाकशुदा या बेवा विधवा लड़कियों से निकाह शादी करेंगे तो सेंट्रल बॉडी अध्यक्ष हाजी अली शेख मी की ओर से 25,000 रुपए और नाशिक जिला नायब सदर शरीफ गनी भाई की ओर से प्रत्येक लड़के को 11,000 रुपए तोहफे के तौर पे दिए जाएंगे। समाज के लिए ये बड़ी बात है, इसे महंगाई के जमाने में समझने की बड़ी बात है। तलाकशुदा या बेवा विधवा लड़की माँ बाप या भाई कब तक पुरना है, कल उसको भी सहारे की जरूरत है। ये हर किसी को आज सोचना चाहिए। ये शादियों का कोई शुल्क नहीं था, फ्री में शादी और संसार उपयोगी सामान के साथ लाखों मेहमानों को भोजन खिलाया गया। ऐसा महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश अध्यक्ष हाजी अली शेख ने कहा और आगे आने वाले साल में कम से कम 100 शादियां करने का प्लान है। इस समय वकील हाजी लतीफुद्दीन अब्दुल्ला शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष खाटिक समाज हाजी अली शेख, सेंट्रल बॉडी अध्यक्ष, वही शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य लाखों की संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे। दहानू विधानसभा संवाददाता रहीम कुरैशी की रिपोर्ट। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय खाटिक समाज गुजस्ता 5 साल से मैं 4 बजे के बाद आज यहाँ पे 18 मई 2023 नासिक मौका हुआ। 18 जून हो गया है और ये विवाह ये शादी जो है बिना पैसे के पूरे अखराजात पूरे खर्च हम लोगों ने जमा नजर रखा है। तो इसी तरह हम इस प्रोग्राम के साथ हम भी तलाकशुदा विवाह लड़कियों के लिए हमने प्रोग्राम रखा जिसका वर होगी मेरा वो कहते हैं, उसमें भी तमाम लोगों ने यहाँ आके अपने तलाकशुदा विवरण दिया, अपने तमाम विवरा या स्कीम के जरिए तमाम लोगों को दिया और आज ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छी तरह नाशिक के माध्यम से लगा हमने बहुत मेहनत करके और बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करके उसको कामयाब बनाया। और इस तरह के प्रोग्राम हमारे होते रहते हैं अभी और अगले 25 मई को हमारा बुरहानपुर मुकाम पर इसी तरह इस प्रोग्राम होने जा रहा है, उसमें भी 25 जोड़ों का प्रोग्राम है। और आते हुए साल में हमारी मंशा है कि 100 जोड़ों का समय शादी का प्रोग्राम रखें ताकि महाराष्ट्र तमाम लोग प्रोग्राम में शिरकत कर सकें और समाज में जो शादी में जो बुजुर्ग खर्ची होती है बुजुर्ग खर्ची की और मौजूदा बर्बादी होती है इससे बचने के लिए ये सामूहिक विवाह का प्रोग्राम किया है और इंशाल्लाह ये आगे भी चल रहा है। स्वागत है, स्वागत बहुत पूरे खाटी जमात के महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात में ही पूरे भारत के लिए ये खुशी की बात है कि हम फ्री में ही शादियाँ करते हैं और दहेज भी देते हैं।